शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। आप लोगों के हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो हम लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग, उनका विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कि भक्त यहाँ पे जो पूजा करते हैं हरतालिका तीज के, वो कई प्रकार से करते हैं। कोई भक्त ऐसे हैं जो कि सुबह में भी पूजा कर लेते हैं, कोई भक्त शाम में यानी प्रदोष काल में हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, और कोई भक्त ऐसे हैं जो कि पाँचों प्रहर की पूजा करते हैं, उसके बाद उसे विसर्जन करते हैं। अगर देखिए, आप किसी पंडित जी के द्वारा अगर पूजा अर्चना करवा रहे हैं तो वो खुद बता देंगे आपको किस तरह से करना है, या नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, सारा पूजा अर्चना होने के बाद अगले दिन आपको सुबह में, यानी कि जब सूर्योदय नहीं हो रहा है उससे पहले, जिसको कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में आपको पार्थिव शिवलिंग को जो है किसी भी पवित्र नदी में जाके विसर्जित करना चाहिए। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नारी इस व्रत को कर रही है वो साथ में जाएं उस पार्थिव शिवलिंग को लेके, और तब जाके विसर्जित करें। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।